राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी मैं अपनी माँ जी को लेकर के आए थे तीर्थ यात्रा पर, भूल गई हैं। हम लोग भी इस प्रश्नोत्तरी को YouTube पर देख ही रहे हैं, जो YouTube पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराज जी की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में एक महिला रो रो कर महाराज जी से बोलने लगी कि मेरी सासू माँ गुम हो गई है, मैं चारों तरफ खोज खोज कर थक गई हूँ, थाने में भी नाम दर्ज करा चुकी हूँ, फिर भी नहीं मिल रही। इस पर देखिए महाराज जी क्या बोले। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी मैं अपनी माँ जी को लेकर के आए थे तीर्थ यात्रा पर, भूल गई हैं। खुश रहिए। गुरु जी सुन रही मेरी बात, मैं अपने सासू माँ के लेकर के आए थे। कहाँ गई सासू माँ? जी निधिवन में गए थे मिलने, वहाँ निधिवन वहीं से भूल गए, पागलों की तरह खोज रहे नहीं। तो सासू माँ खो गई कहीं? जी निधिवन से। क्या नाम है सासू माँ? राधा देवी। राधा देवी, राधा देवी है क्या यहाँ? नहीं, बोलते थे माँ जी ले चलेंगे तो फिर वो घर पहुँच जाएंगी। कैसे पहुँचेंगे गुरु जी? वो उनको पता तो होगा ना कि कहाँ की है वो। जी तो फिर वो आ जाएंगी? गुरु जी कैसे जाएंगे, घर पर भी डांटेंगे कि तीर्थ यात्रा करने के लिए गई भूल आती हूँ। और कोई आया है आपके साथ? एक साथी थी है, वो साथ में है अभी। कोई बात नहीं, भूल गई होगी, सब बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। पर वो थाने में नाम दर्ज करा दूंगी हूं। हाँ, पर वो पहुंच जाएंगी घर? घर वालों से संपर्क में हो? जी। तो घर कब कब खोई वो? आज 10 बजे करीब। आज? जी पागलों की तरह खोज रहे हैं। तो उन्हें सब कुछ पता है कहाँ से है उनका मोबाइल? जी जी पटना से है उनका। उनको मोबाइल वोबाइल नंबर पता है? मोबाइल नंबर पता नहीं, लीक करके दिए थे, पता न पर्स खोल रही है कि न, पैसा भी पास में उनके है पैसा? जी हम बोले थे कि तो आप लोग जहाँ रुके हो वहाँ पे वो आ नहीं पाई दोबारा? फिर नहीं, दो बार वहाँ पे आए, होटल में ठहरे थे, फिर सोचे कि घूल करके हम आपके यहाँ आएंगे, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं। चिंता ना करिए, वो पहुँच जाएंगी घर, कोई ना कोई उनको पहुँचा ही देगा, निश्चिंत रहिए, वो घर पहुँच जाएंगी सासू माँ आपकी। कैसे हम घर जाएंगे? चले जाओ आप, घर वालों से बोलना कि कई बार ऐसा होता है, हाथ छोड़ छोटा बच्चा तो है नहीं, बूढ़ी सासू माँ है, वो घर आ ही जाएंगी, उनको तो सब पता है एड्रेस वगैरह। वहाँ से यहाँ आए? पढ़ी लिखी है कुछ? जी नहीं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। वहाँ बोले थे हम घर पे सुनाते थे कथा खोल करके कि माँ जी को देखिए, तो बोलते थे कि हम इनके यहाँ आपको दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। तो उनको यहाँ लाए थे गौरी गोपाल सासू माँ को? जी नहीं, मथुरा से आज ही यहाँ आए थे, बाकी बिहारी गए, निधिवन गए, फिर सोचे तो निधिवन में ही खो गई। जी वृंदावन में? जी। तो उनको गौरी गोपाल का पता है, गौरी गोपाल के बारे में पता है उनको? बोलते थे घर पे कि ले चलते माँ जी वहाँ पे ले चले। कहाँ? नाम जानती थी यहाँ का? जी गौरी गोपाल आश्रम के नहीं, लेकिन अनुरुद्धाचार्य जी बोलते थे कि गुरु जी हैं, बार बार नाम बोलते थे। शायद आएंगी यहाँ तो मिल जाएंगी। यदि आए होंगे कोई पहुँचा दिए तो बोलिए कि आगे चल आए यहाँ पे ऐसे। आपका नंबर दे दो, बेटन का नंबर रख लो, यदि ऐसी मई आएंगी, राधा देवी नाम है जी, पटना से। पटना से तो उनका तुरंत इनका नंबर ले लो, नंबर ले लो। चलो चिंता ना करो, मिल जाएंगी सासू माँ। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम गुरु जी। हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा, आप जब वैदेही भवन में कथा करने आए थे तभी से हम सुन रहे हैं कथा। हाँ। और यहाँ रहते हैं वृंदावन में, पढ़ाई कर रहे हैं। वाह गुरु जी, एक प्रश्न है हमारा कि सबसे बड़ा पद किसका है? सबसे बड़ा पद किसका है? जी गुरु जी, किस क्षेत्र में भगवान का सबसे बड़ा पद है? जी जैसे इंद्र का, मनुओं का, ब्रह्मा। सबसे बड़ा तो भगवान ही है, सब तो उनकी शरण में है। और गुरु जी एक प्रश्न और है कि हमारे परिवार में यदि कोई मर जाए तो उसका पोथी होता है, तो यदि हम करें पाठ और जो दक्षिणा है उसकी किसी ब्राह्मण अथवा आश्रम में दे दें तो क्या कल्याण हो जाएगा? परिवार में जो उनके आचार्य हैं कुल गुरु वो करें। जैसे कुल गुरु की वृत्ति क्यों लोगे आप? इसलिए जिसका जो काम है उसको वो काम करने दो। यदि आपके भी कोई कुल गुरु है तो घर में आप किसी आचार्य को बुलाकर कोई पूजा भले कराओ, पर कुल गुरु को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए। जैसे गुरु जी हम पाठ करते हैं तो देखते हैं बहुत से ब्राह्मण करते नहीं है, तो कुछ
मतलब बैठे रहते हैं, सोचे कि घर वाले बोलते तुम ही कर दो, और जो दक्षिणा उसकी है वो किसी ब्राह्मण अथवा आश्रम में। कोई अच्छे ब्राह्मण हो, योग हो, उनसे कराओ पाठ जी गुरु। ऐसा थोड़ी है कि सभी नहीं करते। नहीं, नहीं नहीं, करने वालों से कराओ। ठीक गुरु जी, जय श्री राम गुरु जी। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वह एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।